पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन अपनी पावर का यूज करके इन तीनों लड़कों को मार देता है और फिर वो हील करने वाली जगह पर जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें क्वीन को हील करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक्सो क्वीन से कहती है, तुम बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। जहाँ पर क्वीन खड़ा होकर कहता है, ये मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। फिर ये दोनों वहाँ से पोर्टल की ओर जाते हैं। वहाँ पोर्टल की ओर जाते समय ये तीन बंदे क्वीन और एक्सवर को रास्ते में रोक लेते हैं। फिर वहाँ मूशान आता है जो इनसे कहता है, ये रास्ता और जगह मेरी है और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जहाँ पर ये तीनों बंदे क्वीन को डराने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्वीन एक्सोरा से पूछता है, क्या ये चोर हैं? जहाँ पर एक्सोरा कहती है, ये लोगों के कोर को चुराकर उन्हें बेच देते हैं। वहाँ क्वीन सोचकर उन्हें अपने कोर को दिखाता है, जहाँ पर मूशान उन कोर को लेने के लिए आगे आता है। पर क्वीन अपने हाथ को पीछे करके एक्सोरा से पूछता है, क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है? जहाँ पर क्वीन उन कोर को फायरवर्क्स में यूज करता है। वहाँ एक्सोरा खुश होकर कहती है, क्या ये मेरे लिए था? जहाँ पर क्वीन हाँ कहता है। फिर बहुत से लोग इन फायरबैग्स को देखते हैं। जहाँ पर ये बंदा कहता है, एक कोर की कीमत 2000 गोल्ड क्वाइंस है। वहाँ क्वीन का सिस्टम कहता है, तुम्हें बहुत से पॉइंट मिले हैं। जहाँ पर क्वीन एक बड़ा सा कोर खरीद लेता है। वहाँ मूशेन उसे रुकने के लिए कहता है और कोर को नीचे रखने को कहता है। पर क्वीन मूशेन को अपने काम से काम रखने को कहता है और फिर क्वीन अपने कोर को फायरवर्क्स बना देता है और आसमान में फेंक देता है। वहाँ फायरवर्क्स में लिखा होता है, एक्सुरा तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर हम चुबैन को देखते हैं जो इस फायरवर्क्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है, और अपने मन में क्वीन के बारे में सोचने लग जाती है। वहाँ चुबैन कहती है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर हमें क्वीन और एक्सुरा को दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन एक्सुरा से पूछता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? जहाँ पर एक्सुरा हाँ कहती है और कहती है कि मैंने इतने सुंदर फायरवर्क्स पहली बार देखे हैं। वहाँ क्वीन कहता है, तुम्हारी स्माइल इन फायरवर्क्स से बहुत ही अच्छी है। फिर वहाँ मूशेन कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जहाँ पर क्वीन कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, और अपनी पावर का यूज करके क्वीन उनके सामने आ जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर मूशेन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वहाँ क्वीन उनसे दो कोर मांगता है। जहाँ पर मूशेन अपने सीनियर के बारे में बता रहा होता है, पर उसके कहते ही क्वीन उसे एक मुक्का मारता है। जहाँ पर ये तीनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मूशेन उसे रुकने को कहता है और उसे अपने दो कोर दे देता है। जहाँ पर क्वीन उन कोर को लेकर एक्सवर के पास जाता है और उसे कहता है, अगर ये दोबारा चोरी करने के लिए आए तो मुझे बताना, मैं इनको सबक सिखा दूंगा। फिर ये दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। वहाँ इनके दोनों कोर ये व्यक्ति ले लेता है और इनसे पूछता है, क्या तुमने इमोर्टल हर्ब ले ली? जहाँ पर एक्सुरा हाँ कहती है और उन्हें इमोर्टल हर्ब को दिखाती है। वहाँ क्वीन का सिस्टम उसे रिबोट में ड्रैगन क्रिस्टल देता है। वहाँ पर क्वीन एक्सुरा से कहता है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर वहाँ क्वीन भागकर पीछे वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसका सिस्टम उसे अपग्रेड करता है। वहाँ क्वीन की शॉट पहले से ताकतवर हो जाती है। फिर उसका सिस्टम उसे एक और टास्क देता है और कहता है, अगर ये टास्क पूरा हुआ तो तुम्हें 15 ड्रैगन क्रिस्टल मिलेंगे, पर ये टास्क तुम्हें आधे दिन में खत्म करना होगा। वहाँ क्वीन कहता है, ये तो बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।